प्रभात स्कूल की तरफ से बी हाइव का पोएम विंड का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं ऑफ स्टैंडर्ड 9th. विंड, द विंड ब्लोस स्ट्रॉन्गली एंड कॉसेस अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्शंस. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट. इस पोएम में हमें बताया जा रहा है कि जो हवा होती है, तेज़ हवा, वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानकारक होती है और काफ़ी नुकसान कर जाती है, लेकिन हम इसके इससे कैसे लड़ सकते हैं या इसे कैसे ठीक कर सकते हैं. विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन. You are very clever at poking fun at weaklings. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. So, come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to firm the body, make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. Subramanya Bharati, translated from the Tamil by A.K. Ramanujan. This was written by Subramanya Bharati and later on translated by from Tamil to English by A.K. Ramanujan. And over here, as you can see, Subramanya Bharati, who was born in 1882 and died in 1921, is a great Tamil poet famous for his patriotism in the pre-independence era. A.K. Ramanujan, as a Kannada and English poet, well known for his translation of classical and modern poetry. Over here, in this poem, we can see that the poet is actually talking about wind. यहाँ पर wind को दर्शाया जा रहा है कि wind बहुत तेज़ होती है और बहुत ताकतवर. तो वो उसे कह रहा है कि please तुम थोड़ा धीमे आओ, क्योंकि जब भी तेज़ हवा आती है तो कमज़ोर चीज़ों को बहुत बुरी तरह नुकसान कर जाती है. तो वो कहता है कि तुम धीरे आओ, क्योंकि तुम जब ज़ोर से आती हो तो तुम खिड़कियों के दरवाज़े और सभी किताबों के पन्नों को उड़ा देती हो या गिरा देती हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बुक्स किसी शेल्फ पे रखी हुई हों और तेज़ हवा है तो शेल्फ पे रखी बुक्स सारी गिर जाती हैं और गिरने के बाद सारे पन्ने यहाँ वहाँ बिखरने लगते हैं. उसी तरह वो आगे कहता है उसे कि देखो तुमने क्या किया, तुमने यहाँ तो सब कुछ गिरा दिया, तुमने सभी पन्नों को फाड़ दिया और तुम इतनी ज़्यादा ताकतवर हो कि तुमने तो बारिश को भी बुला दिया. फिर वो यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि वो कितनी ज़्यादा समझदार या कितनी चालाक होती है, क्योंकि वो हमेशा कमज़ोरों को ही असर करती है. अगर आप कमज़ोर हो तो आपको पूरी तरह से हवाओं, तेज़ हवा बर्दाश्त करने की ताकत नहीं होगी, लेकिन अगर आप मजबूत हो तो आप वहीं उस हवा में खड़े रहोगे और उसे सहने की क्षमता रखोगे. वो यहाँ पर पोएट हमें कंपेयर करके बता रहे हैं कि किस तरह कमज़ोर घर टूट जाते हैं, कमज़ोर दरवाजे गिर जाते हैं, कमज़ोर नाव या कमज़ोर राफ्ट जो होती हैं वो भी यहाँ वहाँ खिंच जाती हैं, कमज़ोर लकड़ी भी टूट जाती है, कमज़ोर इंसान की बॉडी भी गिर जाती है या चोट लग जाती है. उसी तरह कमज़ोर ज़िंदगी और कमज़ोर जीवन भी कभी ना कभी हिल जाता है. किसी कमज़ोर व्यक्ति का दिल भी ऐसे में घबरा जाता है. तो इसमें हमें क्या बताया जा रहा है कि कमज़ोर चीज़ें जितनी भी होती हैं वो उन सभी को मतलब परेशान कर देती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक छोटा सा पौधा है और तेज़ हवा आएगी तो वो पौधा उस अपनी जड़ छोड़ देगा. उसी तरह अगर एक छोटा बच्चा है और उसे तेज़ हवा में आप खड़ा कर दो तो वो बच्चा भी घबरा जाएगा और गिर जाएगा, अपने आप को चोट लगा लेगा या उसे चोट लग जाएगी. इसी तरह विंड जो है, मतलब तेज़ हवा को यहाँ पर बताया जा रहा है कि जीवन में आने वाले कितने सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम चैलेंजेस होते हैं, जो हमारे हम उसके
उसे सॉल्व करने के काबिल नहीं होते। लेकिन अगर हम कमज़ोर हैं तो हम हार मान जाएंगे, लेकिन अगर हम मजबूत हैं तो हम उन प्रॉब्लम्स के साथ लड़ पाएंगे। तो यहाँ पोएट हमें वही बता रहा है। उसी तरह जैसे हवा की मदद से विनोइंग की जाती है, यानी कि कचरे को अलग और गेहूं को अलग किया जाता है। कचरा कमज़ोर होता है इसलिए उड़ जाता है, गेहूं मजबूत होता है इसीलिए रह जाता है। तो उसी तरह हमें भी मजबूत बनना है, हम मिलकर एक ऐसा घर बनाएं जो बहुत मजबूत हो, जिसके दरवाज़े मजबूत हों, जहाँ पर रहने वाले लोग मजबूत हों और उनके दिल भी, ताकि कभी कोई तेज़ हवा का झोंका या कोई परेशानी उसे हिला ना पाए। हमें हमारे जीवन में हर मुश्किल को सहने की ताकत बनानी चाहिए। हमें खुद को कमज़ोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद को कमज़ोर कर लेंगे तो हम किसी प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाएंगे, न्यू चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम में मजबूती आ जाएगी तो हम तेज़ हवाओं को इन्जॉय करेंगे, उसे अपनी फ्रेंड बना लेंगे। क्योंकि तेज़ हवाएं हमेशा कमज़ोरों को नुकसान करती हैं, मजबूत इंसान को तो और भी ज़्यादा निखारती है और भी ज़्यादा अच्छा और समझदार बनाती है। इसलिए लाइफ में आने वाले चैलेंजेस और जितने भी एडवर्सिटीज़ होती हैं, यानी नई नई प्रॉब्लम्स या नई नई बातें, वो सभी भी हम लोगों को मजबूत बनाने के लिए हैं, हमें गिराने के लिए नहीं होती। लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसे मेंटली और फिज़िकली किस तरह से समझते हो और फेस करते हो।